الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम काबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आपकी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आब खाक में तेरे जहूर से फरोग जरा रे को दिया तूने तुलुए आफ्ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकल गियाब जस्तजू इश्क हुजूरो इस्तराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब ताजा मेरे जमीर में मार का कोहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफा अकल तमाम भूला गाब हिला मी बुर्द और गाब जोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब आलम सौज साज में वसल से बढ़ के है फिराक वसल में मर गए आरजू हिजर में लज्जत तलब ऐने विसाल में मुझे हौसला नजर न था गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब मौजूद सामी ने मोहतरम हम उर्से अमीरुल मुजाहिदीन पर सारे जमा हैं और जिनके उर्स पर हम जमा हैं
उन्होंने हमें जिंदगी को जीने का तरीका बताया है और ये हमें पढ़ाया है कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। और कौमों की हयात इसी बात में पिनहा है कि जब वो मरना सीख लेते हैं फिर दुनिया उनका जीना देखती है। बाबा जी की जिंदगी में बाकियों से मुख्तलिफ यही था कि उन्होंने अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम पर किया है, और जो जिंदगी हुजूर के नाम पर लग जाए वो फिर ऐसे जिंदगी नहीं होती, फिर उसका जीना भी कमाल, फिर उसका बैठना भी कमाल, उठना भी कमाल, देखना भी कमाल, गुफ्तगू करना भी कमाल, सो जाना भी कमाल, और दुनिया से उठ जाना भी कमाल। और सारे कमाल इकट्ठे कर कर बाबा जी फरमाते हुए गए हैं कि हम सुए अशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, और काफिला होकर रवां काफिला ए सालार के साथ। लेकिन उसकी तैयारी, उसकी तैयारी के जो मराहल हैं उस वक्त तक के जाने के लिए वो बड़े कठिन हैं, वो कम से कम अकल के साथ और अकल के पैमाने पर नहीं गुजर सकते। अगर वहां तक जाना है तो फिर वो इश्क का पैमाना है बस, और जो पैमाना इश्क का है वही आपको मंजिल तक लेकर जा सकता है, और वही इश्क अमीरुल मुजाहिदीन को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर गया है। और इश्क का पंजाबी में अगर तर्जमा किया जाए तो बाबा जी ने यही कहा है कि अन्ने वाह हुजूर से मोहब्बत, अन्ने वाह। और अन्ने वाह का मतलब आप पंजाबी में मजीद इसके लिए कोई वसत लफज रखता ही नहीं कि हम करें कि अन्ने वाह कहते किसको है, बस यही है कि अन्ने वाह अमीरुल मुजाहिदीन को कहते हैं। अमीरुल मुजाहिदीन के हर अमल को जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए किया उसको अन्ने वाह कहते हैं, वरना अकल तो नहीं मानती ना, वरना अकल तो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि एक बंदा अकेला व्हील चेयर पे हो, दूसरी तरफ मुनाफिक भी अपने भी पराए भी सारा कुफर भी हो, लेकिन एक हर्फ की लगदश भी ना आए, बल्कि हर मैदान में आकर कहे कि सितमगरे दरा, सितमगरे दरा हुनर आजमाए। और बाबा जी ने जो हुनर आजमाया वो इश्क का हुनर था, और इश्क ही है जो सहाबा कराम को घोड़े समुद्रों पर डालने पर मजबूर कर देता है। इश्क ही था जिससे जनाब सहाबा ने पूरे कैसर और किसरा को पलट कर रख दिया, और कयामत तक जब भी कोई बड़ा काम होगा हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया नहीं अरा बरा करनत करा कराई करी मन्नत दरा, जिसका तर्जमा हजरत हसन बिन साबित ने किया कि जल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलु, या रसूलल्लाह कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब बड़े बड़े मार्कों की बातें होंगी, जब अकल कहेगी ये मुमकिन ही नहीं है, और जनाब सारा कुछ कहेंगे सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी कि ये मुमकिन नहीं है, जब नामुमकिनात की बात होगी और बड़ी बड़ी बातें होंगी आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा और किसी को नहीं पेश किया जाएगा। जब भी नामुमकिनात की बातें होंगी, जब भी कहा जाएगा यार इस तरह घर मुमकिन नहीं, और हुजूर की बरकत से हुजूर के गुलाम अमीरुल मुजाहिदीन को पेश किया जाएगा। जब कोई उधर पेश करेगा जी मैं बड़ा बीमार हूँ, मेरे बगैर भी दीन का काम हो सकता है, मैं नामूस रिसालत पर ना भी गया, हुजूर की नामूस के लिए बाहर ना भी निकला, खत्मे नबूवत के लिए ना भी निकला, दीन पर कैसा भी मुश्किल आ गया ना निकला, तो मेरे लिए तो उधर है, तो बाबा जी को पेश किया जाएगा। तो उनसे ज्यादा माजूर है जाहिरी तौर पर, तो उनसे ज्यादा जनाब बीमार था जाहिरी तौर पर, हाँ इश्क अपने फैसले करने में बड़ा दलेर होता है, हाँ अंदर होवे सही इश्क, वरना ना होवे तो जाहिरी हुलिया जो मर्जी होवे, सूरे सराफील भी फूंक दिया जाए तो उन्हें कोई नहीं हिलना।
आओ ते जो मर्जी हो जाए उन्हें नहीं हिलना। और अगर अंदर कुछ होवे तो एक मस्जिद के अंदर सिर्फ कुड़ी नचाई जावे। ते बाबा जी अगर नहीं साढ़े होंगे मस्जिदा दे कुड़ियां नहीं नच सकदिया। साढ़े होंगे मस्जिदा में अजाना दितिया जा सकदिया, नमाजा पढ़िया जा सकदिया, नफर पढ़े जा सकते हैं, इतकाफ किए जा सकते हैं, अल्लाह के उसके रसूल का जिक्र हो सकता। लेकिन साढ़े जिन्हें कोई मस्जिद के मेहराबा में कुड़ियां नहीं नचा सकता। फिर जाकर मस्जिद वजीर खान को दसिया कि 10 मस्जिद वजीर खान कभी ये भी मंजर देखे ही। हाँ, अंदर तड़प होनी चाहिए, अंदर मोहब्बत होनी चाहिए और दीन की मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर के नाल जिस चीज नु निस्बत है कोई गल पहुंची नहीं। सारी दुनिया ही कहती सी सारे खामोश बैठे रहेंगे, सारे जनाब चुप करके बैठे रहेंगे। जब सारे गुंडे शैतान बन के बैठे रहे उस वक्त एक कोई दीन वास्ते आवाज आई, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बाबा जी ने देखा अगे बड़िया फोर्सेस खड़िया, अगे बड़े जालिम खड़े, अगे जनाब खून लीग आले खड़े, या जनाब है बदमाश खड़े नचन टपन आले। बाबा जी ने क्या नहीं काम वही करना कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और कौन से हमारा साहब के बाबा नहीं 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 बाबा जी दस के गहन बाबा सिर्फ हुजूर दी जात बस पढ़ दिया है गहन के क्या ही ज़ौक अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। तेनाल पर हमारे साहब भाई ऐ मैं मजबूरी है ना 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 साड़ी मजबूरी सिर्फ एक ही है और मोहब्बत रसूल है बस, और कोई मजबूरी नहीं साड़ी कायनात है। असा जिस नु भी मनया हुजूर दी वजह नाल मनया, किसे नु मनया हुजूर दी वजह नाल मनया, और जड़ा हुजूर दा नहीं वो साडा हो ही नहीं सकदा। हाँ, और ये भी नहीं कि खाली जबानी कलामी, ये भी नहीं खाली जेबा भरन वास्ते, ये भी नहीं खाली आस्ताने ते जनाब जनाब डेरे चमकान वास्ते या सियासत चमकान वास्ते, नहीं नहीं असा हुजूर दी वजह नाल। लोग कहंदे सन ना कि जनाब हुजूर दी किस्मत अच्छी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू बकर उमर जैसे खलीफा मिल गया, गुलाम मिल गया। ते कोई कहंदे सन हुजूर दी किस्मत अच्छी कि हसन और हुसैन जैसे नवासे मिल गया। बाबा जी फरमांदे सन तुसी दोवें झूठे हो, तुसी दोवें लानती हो। अबू बकर उमर की किस्मत अच्छी के हुजूर आका मिल गया, और हसन और हुसैन की किस्मत अच्छी के हुजूर नाना मिल गया। आ दिल को हम समझा बुझा के सुए काबा लाए थे, अब दिल हमें समझा बुझा के सुए जाना ले चला। जिधरों भी कोई जमा तफरीक करके ले आएगा, जिधरों भी कोई दुनिया से जमा तफरीक करके ले आएगा, अब के हुजूर दी जात खड़ी। साड़ी की हैसियत है। बाबा जी फरमाने सन असी इत्थे मरिए या अगले चौक जाके मरिए या जनाब जिथे मर्जी घर कोई है, कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला। अज तक होए ही जुल्मे वे, अज तक पूरी कौम ना पूरी उम्मत ना होए ही जुल्मे वे। सानू मनो जी, सानू मनो जी, असी आए मां जी साड़ी इज्जत करो, साड़ा प्रोटोकॉल करो। और झल्या जे तू उस दरबार नाल बा वफा हो जाना ते तेनू दसण दी लोड़ नहीं पैणी के तेनू मरना पैणा। हाँ जी, एक एक दुनिया ते रहंदे होए लोग कहंदे जी खादिम रिज़वी खादिम रिज़वी खादिम रिज़वी। बाबा जी ने कहा कोई गल नहीं, सारे रल के भी आ जाओ कोई गल नहीं, मैं हुजूर दी गल ही करनी, हुजूर दी मोहब्बत दी गल ही करनी। लेकिन जदों दुनिया तो गए तो अपने भी बेगाने भी पुकार उठे कि आशिक़े रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी। आज जनाब बड़े बड़े बेगाने भी इस गल नु मनण ते तैयार हन कि साडे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बाबा जी अपने इश्क़ च सच्चे सन।
और मैं क्या खाली इश्क च नहीं सी सच्चे, उन्हें जो कुछ आका वो सारिया गल्ला सच्चियां, उन्हें माल रोड ते खलो के आख्या कि अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुल हम बददा ला तुबती मिन हम अहदा, या अल्लाह इन्हें सारे नु गिन लै, तेरा नु इकट्ठे नहीं मारना, कल्ले कल्ले करके मारना, ते इन्हें जो एक नु भी ना छटी, ये दुआ वो नहीं, ये अमीरुल मुजाहिदीन ने वही दुआ मंगी जड़ी हजरत खुबैब बिन अदी ने मकामे तनईम उते खड़े होके मनी सी, ये हजरत खुबैब बिन अदी ने अल्फाजन, लेकिन बाबा जी ने उन्होंने उससे वास्ते दोहराया मार रोड देते, मैनु ये दस दे उंगलियां ते गिन के कोई बचा है, कोई बच्चा है जरा जलील ना हो रहा होवे, कोई बच्चा है कोई बड़ा ताकतवर भी होवे, जनाब हमारा नाम ना लिया जाए, मैं कहा जनाब बाबा जी आके गैन वो छुप कर करते हैं, तदबीर इसे कहते हैं, हाँ जब तो रब की तकदीर चलती फिर कोई नहीं देखा जाता, उन्हें हारून से जनाब काम अमान कारून शद्दाद नमरूद मिटा देते हैं, उसने फिरौन मिटा देते, किसी का शय कोई नहीं, किसी जलियो मथा लाया आशिक के नाल, आशिक भी हार अदा ने तो हम उल्टा करके रखना हार में, सूद सेमिनार हो रहा है, बड़ी बड़ी इल्मी गुफ्तगु हो रही है, बड़ी इल्मी गुफ्तगु हो रही, बड़िया ताकीका हो रही, अच्छी बातें होनी चाहिए असी नाल, लेकिन मैं ताकीक करने वाले और गुफ्तगु करने वाले एक गल करके जाना, तुसी भी जिंदा ते असी भी जिंदा, हो सकता असी मर जाइए, उस तो बाद भी सूद का इलाज वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन कह के गए, सारिया ताकीका कर लो, सारा कुछ कर लो, अपने भी मना लो, बेगाने मना लो, लेकिन बाबा जी ने दसिया कि सूद का इलाज भी वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन के मुंह से अल्फाज निकले, कि भाई सूद उस वक्त देंगे, सूद नहीं देंगे, जाओ नस जाओ, सूद नहीं है नस जाओ, कर्जा उस वक्त देंगे जब मुल्क को पैसे होंगे, इस पाकिस्तान ने इस नहज उते आना, ये आशिक दी जबान चो लफ्ज निकले हुए हैं, ये जितनी मर्जी है इसहाकदार नहीं, इसहाकदार ते अपने नु ही कब्र तो उठा के ले आन, साडी मईशत दुरुस्त कर दे, मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती, ये मईशत बाबा जी दस के गए दुरुस्त किस तरह होनी, और इंशाल्लाह होनी भी है और करनी भी, लब्बे खड़े ने इंशाल्लाह, जेल मारे रोटी छोटी कोई नहीं खाते, एक जने की आवाज थोड़े सारे दोची की गल है, थके बैठे हो, जो तुसी हुजूर नु मन्नोगे फिर सारे पिछे आ जाणगे, हां जिन्हां ने हुजूर नु मन्ना तुहाडी ड्यूटी ये लगी कि तुसी हुजूर दे दर ते पकड़ के लै जाओ लोगां नु, अपने थल्ले वाड़ी जांदे हो, अपने थल्ले नतीजा के निकलेगा, और नतीजा भी निकलेगा कोई
कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि नहीं है अमीर कारवां में खूए दिल नवाजी। हाँ जी, कामिल जात हुजूर दी, उसवा हसना भी हुजूर दा, इत्तबा हुजूर दी, फिर हुजूर दे गुलामा दी, फिर खुलफाए राशिदीन दी, ए तरीका कार है। असी जदों तक छड्या जनाब दाएं बाएं देखण लगे हां, उदों दी उम्मत मुस्लिमा जलील होई। इकबाल कहदा जां के मिल्लत रा हयात अजिश के उस वर्गो साजे कायनात अजिश के उस। इकबाल कहंदा आ मैं तेनु दसा के उम्मत मुस्लिमा दी निशाते सानिया हो किस तरह सकदी। कहंदा हुजूर दे दामन नाल वापस हो जाए उम्मत, हुजूर नु मान लवे, फिर जनाब पूरी कायनात इन्हां दे पैरों विच आ जाएगी। लेकिन हुजूर दे दर तो हट के कहने दाएं बाएं, कदी ये कहन जनाब साइंस ने तरक्की रखी, कदी कहन यूरोप ने तरक्की रखी, कदी कहन जनाब फ्रांस ने तरक्की रखी, कदी कहन सड़क बन जाने असीं तरक्की याफ्ता हो जावांगे, कदी कहने बिजली आ जावे असीं तरक्की याफ्ता हो जावांगे, कदी कहने जनाब मईशत दुरुस्त हो जावे असीं तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। तरक्की दा राज है नहीं, तरक्की दा राज ओ है कि जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न तो बाद ओ सारीआं गल्लां ते अमल पैरा हो जाइए, यही साडी तरक्की दा राज है। वरना पूरी दुनिया की साइंस होवे, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी होवे, ए अफगानिस्तान विच ते टुटियां चपड़ा होन, ते टुटियां मोटरसाइकिल होन, ते टुटियां बंदूकां होन, सारी सुपर पावर लम्या पा के रखती है, ये किस तरह मुमकिन है? ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। यानी मौलवी तालीम के खिलाफ है, मौलवी जनाब दुनियावी तालीम के खिलाफ है। हम दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है, हम हर उस चीज के खिलाफ है जो इस्लाम से टकराती है, लेकिन हम हर उस चीज के हामी है जो इस्लाम के ताबे हो जाए। हाँ, वरना अमीरुल मुजाहिदीन ने जाकर ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हाथ नहीं थे चूमे। हाँ, अकल अय्यार है सौ भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। हैं जी, बाबा जी ने उस दाढ़ी भी जाहिर कोई नहीं होती, आलिम भी नहीं, हाफिज भी नहीं, कोई मुत्तकी भी नहीं, परहेजगार भी नहीं। मैं उस वक्त मौजूद था जब अमीर मुजाहिदीन ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह दे जनाब हाथों में जो परेशान हो गया, कहने लगा मुझे यहाँ बड़े लोग मिलने के लिए आए, किसी ने मेरे साथ इस तरह ताजीम से बात नहीं की। बाबा जी ने क्या गल विच हो रहे घड़ी में हाथ तेरे हाथ चुम रहा। हाँ, गल विच हो रहे कहने मौलवी खिलाफ। बाबा जी ने कहा असि खिलाफ नहीं हाँ, असि उस जनाब ताकत और उस हर चीज से कायल हाँ जड़ी इस्लाम वास्ते काम आवे। हाँ, असि हर उस जान को भी अजीज रखते हैं जड़ी इस्लाम वास्ते काम आए, असि हर उस माल को भी अजीज रखते हैं जड़ी इस्लाम वास्ते काम आए, हर असि उस औलाद को भी अजीज रखते हैं जड़ी इस्लाम वास्ते काम ना आए। ते जड़ी इस्लाम वास्ते ना काम आवे वो साडा अपना होवे या सगा प्यो ही क्यों ना होवे। जनाब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जदों गज़वा बदर में जनाब सरकार ने फरमाया ना भैया अंधे कुएं रूप के सारी लाशें पाओ, ये कहने जी ये लफ्ज तुसी कितो पढ़दे लिखो यार रूप के, उस दा पंजाबी मतलब रूप के, एनु घसीट के कहने सारी लाशें और बदर दे अंधे कुएं पाए जा रही हैं। ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जदों पाई ना अपने प्यो दी लाश नु हाथ ते जनाब तुक के रूप के सुटिया जनाब अंधे कुएं विच, ते क्या के तू बंदा ता बड़ा दानास है लेकिन तेरी दानाई तेनु कम नहीं आई, तू हुजूर दे दर तक नहीं पहुंच सके, तू हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता नहीं हो सकया। हां, असि हर उस चीज नु अजीज रखदे हां जड़ी हुजूर नाल बा वफा होवे, अगर हुजूर नाल बा वफा ना होवे ते हजरत मुहय्यसा अपने छोटे बड़े भाई दी जनाब इस तरह बाजू पकड़ के मेरे आका वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता जाके उस फरान यहूदी नु कत्ल कराओ। ते हजरत मुहय्यसा आप छोटे हुवैयसा बड़े ते जनाब हजरत मुहय्यसा ने अपने छोटे भाई ने आके क्या तू बड़ा जनाब एहसान फरामोश है, तू जाके उस यहूदी नु मार आया हुजूर दे कहते उस यहूदी दे जनाब उन्होंने लफ्ज कह के तेरी रगा में जड़ा खून दौड़िया उस यहूदी दे कर्ज दी वजह नाल है, ते आपने जाके अपने ना बड़े बिरादर दी इस तरह बाजू पकड़िया ते पकड़ के बाहर ले आए ताकि मैं गल हुजूर दे गुलामां दे सामने करा कयामत तक सनद बन जाए। आपने फरमाया ए मेरा मां जाया, भाई ने आख्या फरमाया ए मेरा मां जाया,
ملامت کردا کہ میں اس جوگی نو کیوں مار کے آیا حضور میں حکم دیو دین تے میں اس دی دھون ملا کر رکھ دیا سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ستارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی جان فوت رہو سب نبی جان فوت رہو سب نبی جان فوت رہو کتنا جانا یہ مان کتنا جانا یہ مان کتنا جانا یہ مان بس اتنی ایک بات ہے کہ حضور نال محبت انے واہ کرنی انے واہ بغیر سوچے سمجھے جڑا بشکار آئے ان کا پرہ ہو جا جے حضور دی محبت دی گل کرے تو ان کا اور سناؤ جے کوئی دائیں بائیں دی گل کرے جناب اینج ہو جائے گا اینج ہو جائے گا انہوں ہی پٹیاں پڑھان پڑے آنے اور جناب معیشت پر بات کریں فلاں بات کریں یہ کریں وہ کریں میں کہا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو تو تبوک تشریف لے کے گئے تے کھجوراں پکی ہوئی سن مدینہ پاک دی پکی ہوئی کھجوراں سن اور پورے مدینے دی پورے جناب محققین نو بلا کے محدثین نو بلا کے پوچھو جڑے جناب لورا حدیث شریف پڑھا دین تمام شیخ الحدیث انہوں نے بلا کے پوچھو ساری حدیثاں جو کڑ کے تانوں دسن گے کہ مدینے دی ساری معیشت کولا کھجورا ہوتی سی مدینے دی معیشت کولا کھجورا ہوتی سی لیکن میرے آقا مولا نے نہیں فرمایا بھئی اسی معیشت دا خیال کران گے کھجورا ادھر جان تے پھر اسی تبوک جاواں گے نہیں 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 میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے صحابہ نے نہیں کہ یا رسول اللہ ساڈیاں کھجورا پکیاں اے جناب بالکل اترن والیاں تے برباد ہو جان گیاں فرمایا یا رسول اللہ جدھر تسی چاہو اسی تواڈے پیچھے چلاں گے ہاں معیشت دا تصور اسلام اس نہیں ہے اسلام کی کہندا اسلام کا اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اقبال کہندا گل وچ ہو رہے جڑی تو آپ ہی جاننا کہ بندہ بے ذر ہوئے ظاہری طور پر اس کو کوئی اسباب نہ ہون اے ہار جب کسی بھی میدان وچ ممکن نہیں تیرے وچ جڑا سبب ہو کے تیرے وچ عشق رسول دی کمی ہے تیرے وچ غیرت دی کمی ہے تیرے وچ حیا دی کمی ہے تیرے وچ او جناب رمز باقی نہیں مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر سد کے سلمانی کہندا تیرے جو گل نہیں جڑی اسلام نال محبت کرن دی اور انے با محبت کرن دی اسلام دے رستے انے با چلن دی تو دائیں بائیں ویکھ کے چلنا اپنے بھی راضی رہن گے یا نہیں پرائے بھی راضی رہن گے یا نہیں برادری بھی راضی رہے گی یا نہیں فلاں بھی راضی رہے گا کہ یا نہیں جدو تک ساڈی نظر انہاں تے رہے گی اس وقت تک اسلام تخت نہیں آ سکتا اس وقت تک حضور دا دین تخت نہیں آ سکتا جدو اسی انہاں تو سارے تو ماورا ہو کے اے سوچنا شروع کر دیاں گے کہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لیاں اس دن پھر حضور دے دین نو تخت تے لیاں تے روک کوئی نہیں سکتا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اور لوگ کہتے ہیں جی اسی نہ گئے مطلب ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے باقی جو لگے ہوئے ہیں میں ایتھے گل کر جاواں غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے معافی ملی باقی منافقین انہوں نے کوئی نہیں ملی یہ تین صحابی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک دے وچوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور نے طلب فرمایا حضرت کعب بن مالک حضور دے سامنے آئے نا تے لفظ سنو انہوں نے کہا یار میرے آقا مولا نے پوچھا بھی کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا چرب لسان ہوں میں جناب بڑا فصیح ہوں میرے کو بڑیاں گلاں مینوں بڑیاں کہانیاں آندیاں میں سنا سکدا لیکن آپ نہ سچی گل ہے کہ جناب سستی ہو گئی میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ
काब बिन मालिक खंदक विच भी हैं, मुरैसी भी हैं, मुस्तलिक विच भी हैं, सारे चैन सारिया शाना होने के बावजूद मेरे आका मौला ने फरमाया उठ जाओ, उठ जाओ, चले गए। हुजूर ने फरमाया इन्हें कोई ना बुलाया, अज तो बाद इन्हें लैंड देन खत्म, इन्हें बुलान खत्म, सारे ने खत्म कर दिता। कुछ दिन बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम को हजरत काब बिन मालिक के दरवाजे से भेजा। दरवाजे दस्तक हुई, हजरत काब बिन मालिक बाहर आए, मैं पूछा जी, उन्होंने कहा हुजूर फरमा दें कि अपनी बीवियां भी मेके भेजते हो। ते गुलाम सन्ना खता हुई, गद्दारी नहीं हुई, हाँ सच्ची गल की थी। उन्हें कहा हुजूर को पूछ के आओ कि तलाकां दे के भेड़ियां जो वैसे ही भेज रही। मेरे आका मौला को आए वापस गुलाम, हुजूर ने फरमाया कि नहीं वैसे ही भेज दो, और मिलता है क्या एक बार मदीने में जाकर। बंदा गुनाहगार होना चाहिए, गद्दार नहीं होना चाहिए, सच्ची गल की थी। इतने जनाब ड्रामे करते जी, हम उम्रे पर गए हुए थे जनाब फलां, मैं कह जी उम्रे आए थे कम इतने हो रहे हैं, तू उसे की लैंड गया, उसे की लैंड जाना बार बार। हजरत बिलाल हबशी हुजूर नाल, हुजूर दी सब नाल कुर्बत हजरत बिलाल हबशी को गुलामी कड़ी। हजरत बिलाल हबशी इस्लाम वास्ते मदीना छड़ के शाम चले जान, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मदीना छड़ के मेजबान रसूल, सारी जिंदगी उस कमरे में बैठे रहते बाला खाने जिते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रात गुजारी मदीने, दोनों वास्ते एजाज की बात सी। लेकिन उन्होंने पता सी कि शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा, लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। उन्होंने पता सी इस्लाम इस तरह जनाब पूरी दुनिया से गालिब नहीं आएगा, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी छड़ के चले गए मदीना, ऐ जाके कुस्तुनतुनिया के दरवाजे उत्ते जाके अपनी कब्र बनवाई। और हजरत काब बिन मालिक कहने हुजूर नाराज हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत काब बिन मालिक कहने दुनिया तंग हो गई साढ़े ते, हुजूर ने सिर्फ नाराजगी का इजहार फरमाया, कहने इतनी देर हिरकर ने रूम का खत मेरे को आ गया। हिरकर ने रूम ने लिखा कि मैं सुनया तेरे नबी तेरे नाल नाराज हैं, ते अद्धी बादशाही तेनू मैं देना, अपनी अद्धी सल्तनत, तू मेरे नाल हिस्सेदार बन जा, ते अपने नबी दा दर छड़ के मेरे कोल आ जा। ते हजरत काब बिन मालिक ने जदों खत पढ़िया ना तो रोन लग पे, फरमाया या अल्लाह हुण माफी दे दे, हुण तां ईमान दे खरीदार भी आ गए। आपने खत चुक के किसे अलमारी सेफ या ताक च नहीं रखा, आपने खत चुकया ते जाके बलदे होए तंदूर च सुटिया। फरमाया किधरे दोबारा भी दिल च ख्याल भी ना आवे कि हुजूर दा दर छड़ के चला जावे। हाँ असि समझते हैं ये शहादत गाय उस उल्फत में कदम रखना है, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इतना आसान नहीं है कि जनाब कलमा पढ़न तो बाद जान छुट जाएगी। कलमा पढ़न तो बाद ओ लोग जिन्हां दे बारे इन्नल्लाह नजर फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने जिन्हें दिलावल अजल में देखा कि उन्हें तो पाकीजा दिल किसे देने पाए, उन्होंने अपने हबीब की गुलामी वास्ते चुनिया, लेकिन कलमा पढ़न तो बाद रब उन्होंने भी कभी बदर च लै गया, कभी ओहद च, कभी खंदक च, कभी मुरैसी च, कभी मुस्तलिक च, कभी यरमूक च, कभी कादसिया च, कभी तबूक च, फिर क्या रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन। असि कलमा पढ़ के घर बैठे जनाब खा पी के सारिया नेमतां, ते कहिए दीन भी तख्ते आ जाएगा जी, मैं भी आशिक रसूल हूं। बाबा जी फरमाते थे ना झलिया इश्क दस दस के नहीं दसना नहीं पैंदा कि मैं भी आशिक रसूल हूं, बंदे दी अदामत तो पता लगे कि आशिक रसूल है। रसूल तकरीबन तीन महीने बाद हजरत काब बिन मालिक मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन रबिया को माफी मिली। सारे मैदानों में होने के बावजूद एक जगह सुस्ती हुई, जानबूझ के नहीं सुस्ती हुई, और जनाब इस नीयत नाल नहीं कि असी नाम ही कहते की होएगा,
साड़ी पग खुल गई उत्थे जनाब ते असी साडे जुब्बा दस्तार ते जनाब असी सियासी होने आ ते जनाब असी मजहबी होने आ ते फला होने आ असी चौधरी होने आ ते नाम ही क्या है। एक जगह सिर्फ सुस्ती होई ते साबिए रसूल हो ते हुजूर नाराज हो गए ते मैनूं इह दसो जड़े सारी जिंदगी हुजूर दे नां ते खान हुजूर दे दीन दे नां ते खान ते जद औखा वेले आए ते अंदर बढ़ जाण ते उन्हां नूं हुजूर ने नहीं पुछना भाई तू आनू ते इस तई मेरे नां दी वजह नाल मिलियां उन्हां नूं इस तई हुजूर दे नां लैण दे नाल जड़ी खाप लगी उस ते सदके मिलियां ते ओ सारी जिंदगी दीन दे वेले वक्त आवे ते अंदर बढ़ के बह जाण। नहीं 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 इंज नहीं हो सकदा। दीन दा उसूल और दीन दा निजाम और दीन दी निशानते सानिया उस तरह ही होएगी जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन हर मैदान में पहले आके दस्या पहले कदम बढ़ा के दस्या। और नाल दूसरी गल ए वे के रोजाना नवे कटे ना खोलिया करो तुहाडे कटे बंदे सानू उम्र गुजर जांदी साई उरी बैठे भाई तहरीक बनाई या तो तुसी साडे तो ज्यादा सियाणे हो अगे लग जाओ मैं इत्थे बह जाना तुहानू इत्थे खड़ा कर देना तुसी अगे लगो जे दस दिता गया तो फिर जड़ा भी तुहाडा अमीर होवे उसकी इताअत करो जड़ा भी तुहाडा अमीर होवे उसकी इताअत करो उसके पिछे चलो। हाँ जे तो और अपनी जबान नू बड़ा साफ रखो लोगों वास्ते हाँ रुहमाओ बैनाओ मैं शिद्दाओ वलल को पारे तुसी अपुठा करी जांदे हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੜਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੁਹਮਾਓ ਬੈਨਹੁਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਜੋਈ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁਤਾਈਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪ ਨਵਾਂ ਜਨਾਬ ਵੱਖਰਾ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਜਨਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਤਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। हाँ बिल्कुल साढ़े अखलाक और साढ़े किरदार की वजह किसी बंदे को दूर नहीं होना चाहिए। हाँ अगर वह दूर होता तो उसका मुजरिम भी वह शख्स है अपने नाल मोहब्बत नाल प्यार नाल उल्फत नाल शफकत नाल और असी भी उलमाओ मशायख नाल असी खिलाफ थोड़ी हैं और लोग कहते हैं जी आप मौलवियों के खिलाफ हैं पीरों के खिलाफ मैं कह चलिया खिलाफ नहीं उन्होंने दसते हैं कि तुम गलत हो और शुक्र करन कि उन्होंने कोई दसने वाला है। बाबा जी फरमाते सर आज साढ़े वर्गे हैं कल साढ़े वर्गे भी नहीं लभने उन्होंने शुक्र करो कोई दसने वाला है कि जनाब तुम पुठी राह चले हो सीधी राह है किबला इधर आओ जे इधर आ जाओ तो असि तो थोड़ी जुतियां भी चुके अपनी पगड़ी बच्चे बनाने तैयार हैं ये तो गल ही कोई नहीं ये तो गल ही कोई नहीं लेकिन आओ तो सही दीन वाले पास आओ तो सही उस राह वाले पास जी रात तैयबा जाती हजूर के दीन बाद आओ तो सही लेकिन एक जब तक सूरज चांद रहेगा सूरज चांद रहेगा इसका मोहब्बत इसका मोहब्बत असी सिर्फ उन्होंने दसते हैं कि किबला जड़ी राह तुसी चलो इस राह नाल कुछ नहीं होना इस नाल इस्लाम दी गल नहीं होनी बल्कि इस्लाम नु मजीद नुकसान होना के उजरा सूफी में अब वो फकर नहीं बाकी इकबाल कहना है उजरा सूफी में अब वो फकर नहीं बाकी खून दिले शेरा हो जिस फकर की दस्तावेज और ए हल्का ए दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा असी ए दरवेशा दे हल्का नु एही कहनेया के ए हल्का ए दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा ओ जिसके गरेबा में हंगामा है रुस्ता के असी ए जनाब सारे नु दसदे हां के किबला इस राह ते आओ ए तुहाडे वड्डे दी असल राह ए वे तुहाडे जनाब वालिदैन दी अजदाद दी असल राह ए वे दीन दी तुसी इधर आओ किधर भटके फिरदे हो किधर जांदे हो किधर जनाब दाएं बाएं खांदे हो और उलमा नु भी यही कहंदे हां के कौम क्या चीज है कौमों की इमामत क्या है तुसां तां पूरी दुनिया दी इमामत करनी तुसी जनाब दो रकातां पिछे अपना दीन ही वेचांदे हो इकबाल कहंदा कौम क्या चीज है कौमों
की इमामत क्या है, इसको क्या समझे बेचारे दो रकत के इमाम जरा सारी जिंदगी है कहना रहे जनाब मसीद दे जनाब चौधरी साहब नाराज ना हो जाए, मसीद का सदर नाराज ना हो जाए, मसीद का जनाब जनरल सेक्रेटरी नाराज ना हो जाए, तनख्वाह ना घट जाए, उसने हक गल कड़ी करनी, उसने हक गल किवें करनी, वो हक गल नहीं कर सकता। इकबाल कहता घर साहेब हंगामा न हो मिंबर मेहराब, घर साहेब हंगामा न हो मिंबर मेहराब, दी बंदा है मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। असि ना सारे ना ही कहने कि तुसी मौत दी गल करते हो या कौम नु सवान दी गल करते हो, आप हम दसीए कि कौम जागेगी किस तरह, कौम जनाब निशाते सानिया मिलेगी किस तरह, जनाब कौम उम्मत को दोबारा उरूज मिलेगा किस तरह, उस तरह ओ ही तरीका कार है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन। आओ दामन मुस्तफा ना वाबस्ता हो जाओ और आओ वापस हुजूर दे दीन की तरफ लौट आओ, तो आड़ियां भी इज्जत इससे बेचन, सारे की इज्जत इससे बेचन कि हुजूर दे दीन की तरफ वापस आ जाओ, कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दिश जमान। और तहरीक दे नज़्म ज़ब्त नू बिल्कुल उसे तरह कायम रखो और हर एक ते जल्लाद बन के ना बह जाया करो, अपने नाल मोहब्बत के नाल भी प्यार नाल भी शफकत नाल भी उल्फत नाल भी, उसको गलतियां हो सकतियां हैं, सीख सकता नवा बंदा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई ये समझे कि मेरे मिजाज के मुताबिक दीन का काम होवे। तू ज्यादा तत्ता मिजाज रखता तो ज्यादा तत्ते मिजाज नाल कर, लेकिन हुजूर दे दीन का काम जरूर कर, हुजूर दे दीन दी निशाते सानिया वास्ते काम जरूर कर, हुजूर दे दीन नु तख्त ते लियाण वास्ते जरूर कर, लेकिन ए नहीं कि जनाब कदी पीपी दे थल्ले ते जनाब कदी नून दे थल्ले ते हर तबू ते या हुसैन ते जड़ा कोई आ जावे आखो ये भी आशिक़े रसूल है, आशिक़े रसूल है जिसने नामूस रिसालत दा परचम उठाया, जिसने खत्मे नबूवत दा परचम उठाया, जड़ा हुजूर दे दीन वास्ते चले वो आशिक़े रसूल है, बाकी आशिक़े दौलत हो सकदा, बाकी आशिक़े पीर और जनाब आशिक़े मौलवी हो सकदा, आशिक़े दुनिया हो सकदा, आशिक़े रसूल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला सानू ते तुहानू हुजूर दी मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।